श्री कृष्ण अंतिम बार श्री राधा रानी से मिलने के लिए आए हैं। वह गोकुल की गलियों को छोड़कर द्वारका की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। वह अंतिम बार श्री राधा रानी से मिलने के लिए आए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सामने आते हैं, राधा रानी अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोने लगती है। श्री राधा रानी रोते रोते कहने लगती हैं, कान्हा मुझे किसके सहारे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ क्या करूँगी। कान्हा मैंने तुम्हारे बिना जीवन का एक पल एक क्षण तुम्हारे बिना नहीं बिताया है, मेरी सोच में भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं है, मेरी कल्पना में भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं है, मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ कान्हा, मुझे भी अपने साथ ले चलो कान्हा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा की ये बात सुनी, वह उस टाइम मौन हो गए, निशब्द हो गए। श्री राधा रानी समझ गई कि श्री कृष्ण की ये मर्यादा आज्ञा नहीं देती है कि वह किसी भी पराई स्त्री को बिना विवाह अपने साथ ले जाएं। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण का मन पढ़ लिया और उन्होंने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी यहाँ हूँ कान्हा और तुम भी यहाँ हो कान्हा, भर दो मेरी मांग में सिंदूर कान्हा, भर दो मेरी मांग में सिंदूर। ये सब सुन के श्री कृष्ण राधा की ओर पीठ करके खड़े हो गए, घूम कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी नजरें घुमा ली। ये देखकर श्री राधा रानी का दिल फट गया और वो बहुत ज्यादा रोने लगी और कहने लगी, कान्हा क्या विवाह की बात करके मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जो तुमने मुझसे नजरें फेर ली। नहीं कान्हा नहीं, मुझसे नजरें मत फेरो, मेरी ओर देखो कान्हा, मेरी ओर देखो। श्री राधा रानी बहुत ज्यादा रोने लगी और बार बार कहने लगी, कान्हा मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मुड़कर देखो, मैं तुम्हारी राधा हूँ, मेरी तरफ देखो कान्हा, एक बार मेरी तरफ मुड़कर तो देखो। नहीं नहीं कान्हा, मुझसे नजरें मत फेरो कान्हा, मुझसे नजरें मत फेरो, मेरी ओर देखो कान्हा, मेरी ओर देखो, मेरी ओर पीट करके मत खड़े हो कान्हा, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी राधा हूँ कान्हा, मेरी ओर देखो। और जब श्री कृष्ण पलटते हैं तो क्या देखती है राधा, वह तो श्री कृष्ण है ही नहीं, वह सर से पांव तक राधा बन चुके हैं। श्री कृष्ण श्री राधा रानी से कहते हैं, राधे विवाह करने के लिए दो की आवश्यकता होती है, तुम और मैं दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं, बताओ राधे किससे विवाह करूं, क्या अपने आप से विवाह कर लूं। श्री राधा रानी को अपना उत्तर मिल चुका था के बिन बोले है यशस्वी, जो बोल दिया वह अर्थी नहीं है, प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। राधे राधे।